और मैं मनोज यादव, मैं आपका रुख कर रही हूँ। मनोज, मैं जरा समझना चाहूंगी, अब मायावती ने ना कह दिया है, लेकिन कल जिस तरह का बयान आया, बड़े ही सॉफ्ट दिखते नजर आए थे अखिलेश यादव मायावती की तरफ। हम तो सम्मान देने का काम कर रहे थे, जबकि उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इस तरह की बात अखिलेश यादव के लिए कही। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, इस सॉफ्टनेस के पीछे आखिर क्या वजह रही, क्योंकि हमने वो भी बयान देखे हैं कि भाई अगर आप मायावती को शामिल कर लोगे इंडिया गठबंधन में तो आगे कौन गारंटी लेगा। वो ये भी बात मायावती के लिए कहते नजर आए थे। तो अभी सॉफ्टनेस के पीछे, क्योंकि ये भी वो आरोप लगाते हैं कि किसी दबाव में आकर मायावती ने ये ना की है, तो आखिर क्या इसके पीछे क्या तस्वीर क्या नजर आ रही है अखिलेश यादव को। मनोज जी, अब यूपी की 80 सीटें जो हैं, कैसे साधने की तैयारी अब करेगी मायावती? नहीं है, हालांकि आप तो पहले भी उनके पक्ष में नहीं थे कि वो आए आपके इंडिया गठबंधन में, तो क्या रणनीति बनी हुई है अभी तक? सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक होने वाली है, अब कमेटी आपकी तरफ से भी बना ली गई है। देखिए, मायावती जी से ना तो हमारी कोई ऑफिशियल बात हुई है ना अनऑफिशियल बात, ये बात आपको भी पता, अगर हुई होती तो आप खबर पड़ती और आपको भी दुनिया को पता चलता कि समाजवादी पार्टी की मायावती जी से बात हो रही है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सुबह सुबह मुझे दो कौड़िया गठबंधन एनडीए के लोगों से बात करना पड़ता है, बड़ा खराब लगता है, पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि उनके वक्तव्य बड़े गंदे होते हैं। वो परिवारवाद पे अभी टिप्पणी कर रहे थे, उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, और खासकर उनके अलायंस के लोगों से, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे वो अजीत पवार जी के भतीजे हों, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में संजय निषाद हो, या हमारे ये राजभर पार्टी वाले बैठे हैं, ये इतनी गालियां खा के भी इनके साथ कैसे राजनीति कर रहे हो भाई? ये रोज सुबह तुमको उठ के तुम्हारे परिवार को गालियां देते हैं, परिवारवादी पार्टी कहते हो, फिर भी बेपरमो की तरह वही वाला मुहावरा, सौ सौ जूते चूहे खा बिल्ली चली हज को। अरे कम से कम ऐसे लोगों से बच के रहो, इन लोगों से, अलायंस के लोगों से मैं इतना ही कहूंगा, रोज सुबह गाली खाओ जिस पार्टी से, उस पार्टी के साथ राजनीति ना करो, क्योंकि सम्मान भी कोई चीज होती है। मैं आता हूँ इंडिया और इंडिया अलायंस को। देखिए, इंडिया अलायंस पे कोई भी चीज खराब नहीं है, सब ठीक है, सीट शेयरिंग का मामला हो या कोई और मामला हो, वो सारी चीजें लगभग लगभग आपको बता दूं कि वो समय रहते रहते पूरी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश की जो साथी हैं, घटक दल है, वो अपनी अपनी सीटों पर लगभग लगभग काम कर चुके, जनता के बीच में संवाद चल रहा है, प्रचार शुरू हो गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित किया, बड़ी रैली थी, और जनता की आवाज भी आप लोगों ने सुनी होगी उनकी रैली में क्या है। तो हम मुद्दों के साथ हैं और मुद्दों के साथ लड़ेंगे, इंडिया अलायंस में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस से, आरएलडी से, और हमारे साथी जो और घटक दल है, ठीक है। लेकिन जब वो कहते हैं कि किसी दबाव में मायावती ने ये फैसला किया, तो और भी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। मनोज जी, सुनील जी जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, किस दबाव, ठीक है बोलिए मनोज जी, 10 सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, बहन जी पे क्या दबाव है? समाजवादी पार्टी उनको 2019 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है। हमने ईमानदारी से गठबंधन में लड़ा, उनके प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया, जब बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं लड़ने को तैयार था पूरे देश में, तब समाजवादी पार्टी, आरएलडी और मायावती जी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बसपा के लोग धोखा दे गए, और धोखा दिए तो ये समाजवादी पार्टी 5 पे रह गई और उनकी भी सीटें आई 10। लेकिन वो 10 सीटें आपके पास गई, तो उन 10 सीटों का लॉस बीजेपी को हुआ था ना, यानी गठबंधन का फायदा होता अगर वो आपके साथ होती, तो हम उनको कहां मना कर रहे हैं? वही तो नहीं आरती है ना, हम उनसे तो नहीं कोई ये बात कह रहे हैं, या हमने कोई एंट्री लगा रखी कि नो एंट्री है आपकी, वो तो उनको तय करना है कि वो किस तरह इंडिया अलायंस का पार्ट बनना चाहते, वो कैसे बीजेपी को हराना, ठीक है। सुनील अर्कवंशी जी, सवाल मेरा आपसे वही कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर आप सवाल इंडिया गठबंधन पर उठा रहे हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर तो आपके पास भी कई सवाल है जिनके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे हैं। अब तो आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो ना सिर्फ यूपी में रहकर अब बिहार तक पहुंच चुकी है। नहीं नहीं देखिए, हमारा जो है इन लोगों के साथ बैठक करके और इन लोगों के साथ डिबेट करके दिमाग खराब हो जाता है, तो वाकई दिमाग खराब जमीन है। उत्तर आज 80 की 80 सीटें जो है किस तरीके से एक गठबंधन जिक्र जा रहा, उससे ये बकला हुए है बात करने की। आज ये कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं, और जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के, ठीक है।